अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। इस वीडियो में क्वेश्चन 1.6 से शुरू करेंगे। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाई अ स्टॉप वॉच। वट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में किस किस तरह की एरर आ सकती है जब हम स्टॉप वॉच यूज़ करके सिंपल पेंडुलम का टाइम निकालें, किस किस तरह की एरर आ सकती है। When period of simple pendulum is measured by a stopwatch, two types of errors are possible as given below। दो errors आ सकती हैं क्योंकि stopwatch use कर रहे हैं, एक वो person use कर रहा है, personal error आ सकती है, एक उस stopwatch में error हो सकती है। दो ही errors occur हो सकती हैं। personal error occur होगी person के inexperience की वजह से, और systematic error occur होगी instrument के fault की वजह से। तो ये दो errors occur होंगी। अगला क्वेश्चन है, डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट गिव मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है? ये हमारा क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि डायमेंशनल एनालिसिस की दो इंपॉर्टेंस है। इसे हम किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे इसे हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो फिर ये डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है, इसमें 2π कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू तो हम एक्सपेरिमेंट्स से फाइंड करते हैं, ना कि इस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड करते हैं। ये था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर डेंसिटी। प्रेशर की डायमेंशंस राइट करनी है और डेंसिटी की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर की डायमेंशन हमें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करने से पहले उसका फार्मूला आना चाहिए। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स का फार्मूला होता है एम ए। इधर भी डायमेंशंस राइट कर दें, इधर भी मास की डायमेंशन एम होती है। एक्सेलरेशन की प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा LT-2 एरिया की हो, एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फिर लेंथ की डायमेंशन भी एल, विड्थ की भी एल स्क्वेयर हो गया, इसको ऊपर शिफ्ट करवा दिया, बन गई ML-1 T-2। डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करेंगे। डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करने से पहले हमें डेंसिटी का फार्मूला आना चाहिए, मास ओवर वॉल्यूम। मास की डायमेंशन एम ही होती है, इधर भी डायमेंशन राइट कर दी, इधर भी मास की डायमेंशन एम होती है। वॉल्यूम की डायमेंशन L³, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तीनों की डायमेंशन एल होगी तो L³ बन जाएगा। ऊपर जाकर -3, ये थी डेंसिटी की डायमेंशन। अब आखिरी क्वेश्चन है के द वेवलेंथ ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी नोइंग दैट। बेसिकली हमें क्वेश्चन में वेवलेंथ की डायमेंशन दी हुई है, स्पीड की डायमेंशन दी हुई है और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन गिवन है। हमने करना क्या है, हमने चेक करना है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा और एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ये दोनों करेक्ट हैं कि नहीं। डायमेंशनली चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशंस करेक्ट हैं कि नहीं, ये वाली और ये वाली। ये हमें देखें तो इन इन इनको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। तो ये देख लेते हैं कौन सी वेव इक्वेशन करेक्ट। पहले इसको चेक कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा को चेक करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड की भी डायमेंशन लेंगे, राइट की भी डायमेंशन लेंगे। लेफ्ट की डायमेंशन एफ दी हुई थी T-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल है। राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करना चाहिए, सेपरेट कर दिया। स्पीड की होती है LT-1, वेवलेंथ की लैम्डा, दोनों को कंबाइन किया L²T-1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो फिर दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, नॉट डायमेंशनली करेक्ट। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड की, फ्रीक्वेंसी की T-1, राइट हैंड साइड की डायमेंशन स्पीड की वेवलेंथ की, इसकी LT-1, वेवलेंथ की T, ऊपर चला गया एल, एल से कट गया T-1। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल आ गई हैं, दोनों की डायमेंशन सेम आ गई हैं। फिर हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है।
ये था आज का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस वाला। अल्लाह।